यूपी में हमारे लिए तो हमारे आए हुए दो महीना भी अभी राजद में हम जा रहे हैं। मनोज गुप्ता मेयर का चुनाव लड़ेंगे, है कि अगला विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। हम लोग ऐसा कार्यकर्ता इस बात से नहीं डरते हैं कि लोग क्या कहता है। मनोज गुप्ता को यहाँ की जो भी जनता है वो सभी भलीभांति जानते हैं कि मनोज गुप्ता मरना पसंद करेगा लेकिन पार्टी छोड़ना पसंद नहीं करेगा। मेरा शुरू से नारा रहा है, हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं लेकिन उसके बाद भी हम आज तक कोई नहीं कह सकता है कि हम किसी पद के लिए अपने पार्टी में किसी बात के लेकर जिज किए हों। ठीक है, विधानसभा का चुनाव लड़ने का बाड़ी जब आया था तो हमारे साथी और साथी लोग भी लाइन में थे कि भाई हमको भी टिकट दीजिए और हम भी चुनाव लड़ेंगे। उस लाइन में हम भी आए थे लेकिन पार्टी पर हम छोड़े थे कि पार्टी जो तय करेगी, जो निर्णय करेगी, हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसको जिता के लाएंगे। इसलिए ये फिजूल की बात है कि कोई कहता है कि राजद में हम जा रहे हैं। उसके पीछे आज ये चर्चा हो रहा है, इसके पहले कभी चर्चा नहीं हुआ था। इसके पहले कई चुनाव आए, इसके पहले भी विधानसभा चुनाव के लिए आप जा रहे हैं। हम कभी भी एमएलसी चुनाव के लिए नहीं लगे हैं। अपने नेता, अपने पार्टी में कोई एक नेता नहीं कह सकता है कि मनोज गुप्ता अपने एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए पहल किया है या आवेदन दिया है या अपनी बात को रखा है। हम सब दिन इसका विरोध किया है। हम एक विधानसभा का चुनाव, वो भी समस्तीपुर विधानसभा का चुनाव लड़ने के स्थिति में है, तैयारी में है और लड़ेंगे तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी और भी रिमल उड़ा रहे हैं कि मनोज गुप्ता मेयर का चुनाव लड़ेंगे। हम साफ करना चाहते हैं इस विषय पर भी कि हम कोई मेयर का भी चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लड़ेंगे तो एक विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे, ये भी तय है कि अगला विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। इसके अलावा आज जो हमारे दल में किसी दूसरे दल से कांग्रेस को लात मारकर, जो कांग्रेस के नाम से पहचाना जाता है जो लोग, वो किसी लोभ लालच में एमएलसी क्या चुनाव हम लड़ें, हम एमएलसी बन जाएं तो उनको कांग्रेस पर नहीं लगा कि कांग्रेस से हम आ पाएंगे, तो वो दामन हमें हमारे लात मारकर, जो कांग्रेस के नाम से पहचाना जाता है जो लोग, वो किसी लोभ लालच में एमएलसी क्या चुनाव हम लड़ें, हम एमएलसी बन जाएं तो उनको कांग्रेस पर नहीं लगा कि कांग्रेस से हम आ पाएंगे, तो वो दामन हमें हमारे काम का स्वागत किया। हम लोग भी हमको भी अच्छा लगा कि चलिए कांग्रेस के लोग हमारे दल में आ रहे हैं। लेकिन खराब उस समय में लगा कि जब आपके पास कार्यकर्ता का भरमार है, हर ढंग से सक्षम कार्यकर्ता आपके पास है, उसको छोड़कर बीजेपी में आया है और उसको आप एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिए हैं, ये हमारे ऐसा और भी पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनको बात अच्छा नहीं लग रहा है। हम उस बात का विरोध, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया है और उसको आप एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिए हैं, ये हमारे ऐसा और भी पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनको बात अच्छा नहीं लग रहा है। हम उस बात का विरोध जरूर कर रहे हैं, पार्टी से बाहर नहीं, पार्टी में रहकर अपने नेता को, अपने लोग को हम इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आपके पार्टी, आपके संगठन में बहुत मजबूती के साथ आपका कार्यकर्ता खड़ा है, उसमें से किसी को भी लड़ाइए, आपको विजय श्री मिलेगा। आज कांग्रेस से हमारे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है, उसके लिए हम सभी लोग स्वागत करते हैं, लेकिन उनको संगठन के हित में, संगठन के लिए कुछ दिन मौका दिया जाए, कुछ दिन संगठन का काम कराया जाए, उसके बाद उसको मौका दिया जाए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन ये क्या है कि शर्त के साथ आना, इतना बड़ा आप लोग हो गए, इतना बड़ा अभी तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव विधानसभा के लड़े थे लेकिन उसमें कितना वोट आप लाए, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसमें भी आप आरजेडी के साथ थे लेकिन आप कितना वोट लाए ये भी यहाँ की जनता जान रही है। उसके बाद भी आपको हमारे नेता इतना बड़ा सम्मान दिया, पार्टी हिप जारी करके पटना में आदमी जुटाया, उसमें से कांग्रेसी क्या गो लोग थे, वो जो ज्वाइन किए उस ज्वाइन करने के दरमियान में कांग्रेस के लोग क्या गो लेकर आए, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो पद धारक लोग थे, मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, उनको हिप जारी किया गया कि हर हाल में पटना में लोग जाना नहीं चाह रहे थे, दो बार नहीं, तीन बार नहीं चार बार उनके घर पर गाड़ी भेजा गया, उनको खर्चा भेजा गया, तो वो जाके पटना उस कार्यक्रम में भागीदारी हुआ तो 200 संख्या में आदमी वहाँ था और यहाँ पेपर में लिखा रहा है कि सैकड़ों लोग के साथ समर्थन, लोग जाना नहीं चाह रहे थे,
दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार उनके घर पर गाड़ी भेजा गया, उनके उनको खर्चा भेजा गया, तो वो जाके पटना उस कार्यक्रम में भागीदारी हुआ, तो 200 की संख्या में आदमी वहाँ था। और यहाँ पेपर में लिखा रहा है कि सैकड़ों लोग के साथ समर्थन में, कारण उनको शामिल किया, कोई कारण नहीं, बस पूंजीपति हैं, पैसा उनके पास है, उसके बाद किसी प्रकार की कोई पहचान नहीं है। एक हमारे एमएलसी थे हरिबाबू, हरिनारायण चौधरी, उनका लड़का है, एक ये पहचान, दूसरा नंबर उनके पास पैसा है, बाद बाकी जनता के बीच कोई कारण नहीं, बस पूंजीपति हैं, पैसा उनके पास है, उसके बाद किसी प्रकार की कोई पहचान नहीं है। एक हमारे एमएलसी थे हरिबाबू, हरिनारायण चौधरी, उनका लड़का है, एक ये पहचान, दूसरा नंबर उनके पास पैसा है, बाद बाकी जनता के बीच कोई कारण नहीं, बस पूंजीपति हैं, पैसा उनके पास है, उसके बाद किसी प्रकार की कोई पहचान नहीं है। एक हमारे एमएलसी थे हरिबाबू, हरिनारायण चौधरी, उनका लड़का है, एक ये पहचान, दूसरा नंबर उनके पास पैसा है, बाद बाकी जनता के बीच में कोई बता। आपके पार्टी में भी खरीद बिक्री का सौदा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा बोलना गलत होगा। हमारे पार्टी में कभी नहीं कहा अभी ना, पैसे के लिए जो पूंजीपति वाले लोग हैं इसीलिए हमारे हम ऐसा बोले कि पूंजीपति है, लेकिन खरीद फरोख्त पार्टी में पैसा दिया नहीं दिया, इस विषय में ना हमको कोई जानकारी है और ना हमारे पार्टी में ये चलता है। हमारे पार्टी में पैसा देकर सिंबल लाना ये परंपरा नहीं है, कि कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। आपके पार्टी में भी खरीद बिक्री का सौदा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा बोलना गलत होगा। हमारे पार्टी में कभी नहीं कहा अभी ना, पैसे के लिए जो पूंजीपति वाले लोग हैं इसीलिए हमारे हम ऐसा बोले कि पूंजीपति है, लेकिन खरीद फरोख्त पार्टी में पैसा दिया नहीं दिया, इस विषय में ना हमको कोई जानकारी है और ना हमारे पार्टी में ये चलता है। हमारे पार्टी में पैसा देकर सिंबल लाना ये परंपरा नहीं है, कि कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। नहीं, आपने ही कहा ये पूंजीपति पूंजीपति हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि पूंजीपति हैं, ना कि पैसा देकर आए हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इस बात का हम क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है। तो क्या आप उनके लड़ने से, एमएलसी चुनाव लड़ने से, यदि आपकी पार्टी को सीट मिलता है तो क्या वो एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, इसके समर्थन में आप हैं या नहीं? नहीं। कारण बताइए। कारण क्या है कि हमारे दल में इसके पहले भी कुछ लोग को हमारे दल में लाए नहीं, बल्कि पहले टिकट दिया गया। टिकट देने के बाद तब सदस्यता ज्वाइन किए, और सदस्यता ज्वाइन करने के बाद पहला कार्यक्रम हुआ उनका, तो मंच पर से वो बोले, हमको याद है, हम भी उस कार्यक्रम में थे, कि बोला गया कि पार्टी में हम टिकट के लिए नहीं गए थे, टिकट पार्टी हमको बुलाकर टिकट दिया है। हम लोग इस बात से बड़ा आघात हुआ कि आपको सम्मान दिया गया, आपको टिकट देकर चुनाव लड़ाया, इस बात को बोलने का जरूरत क्या था। लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं वो, तो हारने के तत्काल बाद प्रेस वाले लोग को बुलाकर उसके सामने में बोलते हैं, सभी लोग फेसबुक के माध्यम से लोग जानकारी है कि बोले, हमारे ऐसा पुराने कार्यकर्ता को बोले कि हम आ गए हैं पार्टी में, हमसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था वो सभी लोग हिजड़े थे, हम आ गए हैं तो पार्टी को संभाल लेंगे। ये बात किसने बताया? ये जो इसके पहले जो विधानसभा के चुनाव में जिन लोग को लाकर टिकट दिया गया, चुनाव लड़ाया गया, उनके मुंह का ही भाषा है। तो हम लोग नहीं, नाम सब भी लोग जानते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं, आप भी समझ रहे हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप भी समझ रहे हैं, हमको उस बात से नहीं मतलब। आप मतलब आज टिकट के लिए हमारे दल में आते हैं, जीत गए तो बड़ा बढ़िया, अगर नहीं जीतते हैं तो फिर आपका वापसी फिर अपने घर में होता है, और तब उसके बाद फिर हमारे नेताओं को गाली देते हैं, पहले भी गाली देते थे, आज हमारे दल में आए तो आपका दल, हमारा दल आपको अच्छा लगने लगा, फिर जब हारते हैं तो फिर अपना वापसी घर जाते हैं, फिर हमारे नेता। आप आज टिकट के लिए हमारे दल में आते हैं, जीत गए तो बड़ा बढ़िया, अगर नहीं जीतते हैं तो फिर आपका वापसी फिर अपने घर में होता है, और तब उसके बाद फिर हमारे नेताओं को गाली देते हैं, पहले भी गाली देते थे, आज हमारे दल में आए तो आपका दल, हमारा दल आपको अच्छा लगने लगा, फिर जब हारते हैं तो फिर अपना वापसी घर जाते हैं, फिर हमारे नेताओं को गाली देते हैं। तो सरासर गलत है। और बीजेपी में हमारे लिए तो, हमारे आए हुए 2 महीना भी अभी नहीं हुआ, हमारे लिए तो सब वरिष्ठ नेता हैं, गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, तो हमको उन पे कोई, किसी पे भी
क्योंकि सबसे जूनियर भाजपा में तो हम ही हैं, तो हम किसी सीनियर के बारे में कोई टीका टिप्पणी। अच्छा, मनोज गुप्ता जी आपके सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं। ये जो कह रहे हैं जो आप पैसे वाले नहीं, हैं वो गार्जियन हैं, उनके बारे में कोई ये बात जो है पैसे वाले कोई टीका टिप्पणी हम गार्जियन के बारे में नहीं कर सकते।